बल्कि मेरे को डेट्स मेरे को याद नहीं आने अपना, मेरे को मुर्तजा फोन आया क्या क्या करनी भाई जी। मैं कह यार कुछ नहीं, मैं देख लो बाबा। ओके यार ढेर सारा टाइम चाहिए, आप मिले कैसे? कहा इस्लामाबाद क्यों नहीं कटे थे मेरे? ठीक है, मेरे को सारा दोस्त रहा वो था नजीब। अच्छा, तो सबको मिले भी हो सो इतना कहीं मेरे इलेक्शन वाले नजीब जफर खान उनका घर इस्लामाबाद। अगर उतना ही मैं नाने आप रात सारे कट्ठे देने। ठीक है जी, ठीक है नहीं चला गया उतना से कोई चार प्यारे अच्छे गुजारे आपस में, पुराने प्यारे पुराने गपशप ये वो। जमातिया से? मेरा जमातिया। अच्छा, ना लड़ी देखते माता। अच्छा, और मतलब जिगर दोस्त। अच्छा अच्छा से। अच्छा जी, असा चार ढेड़े गुजारते ना है शाम को जनाब, वो वेंदे वापस कराची। ठीक है, मैं निकलता वापस लाहौर। अच्छा, मैं एक रात लाहौर रहे थे, दूजे ढेड़े मैं चले वेना देरन वा। ठीक है, इस खले च कोई सवा नौ या साढ़े नौ का टाइम हो सी? नहीं नहीं, सवा नौ, सवा नौ का टाइम आ। अच्छा, ते पंसी दा फोन आंदे ने रात दा देरन वा। अच्छा, आखे बेटे आई हैव बैड न्यूज। अच्छा, और मेरा दा दिल उते ढक थिया ना, मैं कहा खैर ही करे अगर क्या थी। मैं कहा खैर है बाबा, आखे मुर्तजा हैज बीन शॉट। अच्छा, एंड ही इज क्रिटिकली इंजर्ड इन मेडिस हॉस्पिटल। ओए मैं बस खैर बाबा ने बात की तो ना कि जी वो लेटेस्ट प्रोग्रेस आई लेट यू नो। मैं फटाफट दोस्तों को घुमाउन शुरू किया, पहले तो मैं मुर्तजा का नंबर घुमाउन शुरू किया, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, और वर मैं अपने दोस्त बेकूफ घुमाने की कोशिश की, उतना कोई जवाब नहीं आया। और हूँ मैं परेशान क्यों की को करा मैं फोन, वल मैं डायरेक्ट 70 क्लिफ क्यों किया फोन। अच्छा, उतना खैर मुलाजिम ने और ग्राउंड लाइन जाके। अच्छा, और उतना मैं पूछा ये मैं उन्होंने कि हाँ जी हाँ इस बाबा को गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में दाखिल है। खैर मेरा जेड़ा दोस्त है ना नजीब, नजीब सफर, वो आखिर ना बंदे को एक आती है छठी आवाम, छठी हिस, छठी हिस, वो बंदे दे कुट कुट के भरी हुई है। अच्छा सही, कुट कुट के भरी हुई है। अच्छा जी, हुण क्या थिया हुण ये पूरी स्टोरी सुन सुनने वाली है। थी आई कि हूं दिहाड़े जी दिहाड़े शोदे घूम रहे हैं, हूं दिहाड़े सवेरे इनका फोन आंदे अपना बशीर रियाज। बशीर रियाज ने तो को याद हो रहे ए इना दा पीपल्स पार्टी दा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता, और प्लस उना दा अखबार जेड़ा निकलदा हा मसावाद दा भी एडिटर चीफ एडिटर। बिल्कुल बिल्कुल याद है, और बिल्कुल याद है। इनका फोन आंदे। अच्छा जी, नजीब। अच्छा, के मीर बाबा को समझाओ। अच्छा, और वो जो है ना केड़ा जेड़ा शेरा तो सुनारा जेड़ा आया जे गीत गया तो उनको छुड़वा के आया है कराची वाला, कराची वाला ना याद नहीं ना ना ते मीर बाबा को कहे कि उसके पीछे ज्यादा ना जाए, वो हमें गवर्नमेंट को एम्बेरेस कर रहा है। अच्छा, उन्हें आके यार देखो बशीर दैश उसका असम प्यार है जो को बैश रखे थे। अच्छा, क्या बैश मीर जितना मेरा दोस्त है वो तुम्हारा भी उतना ही दोस्त है। सही है, तुम क्यों नहीं उसको फोन करके कहते हो? अच्छा जी, गाल मुक गई। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इंदा दोबारा को वाल फोन आ गए, इंदा एक भाई मई का फोन आ गया, वो भी रिपोर्टर। अच्छा, वो को भी ये कहते कि यार तुसा भी उग जान दे, मैं उनका कोई सियासी वो क्या कहते हैं मुशीर तक है, मैं उनका दोस्त हाँ, मेरी अहमियत क्या नहीं है, क्या आखा क्या ना करे, उन्हें फैसले सियासी करने होते ना अपने सेहत न करे दे अपने सेहत सोच न करे दे, मैं वो थोड़ी गाइड करना क्या करना है क्या नहीं करना। खैर जल्द दो त्रै बार फोन आने ना ईद की छठी है सूरज दी नजीब दी। अच्छा,
ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਏਜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹ 70 ਕਲਿਫਟਨ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਰ ਬਾਬਾ ਨਿਕਤਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਰਾਚੀ ਚ ਤੇ ਲਿਆਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਬਲ ਥਿਆ ਕਿਆ जनाब 70 क्लिफ्टन पता करना शुरू किया मीर हार के ना घर हो गया जलसे देते खैर को तकरीबन मेरे ख्याल चे थी सी कोई 5 मिनट नौ विचो हन या 10 मिनट नौ विचो हन सही है शाम दे ते ए जले फोन करे ने आके जी मीर बाबा अभी तक वापस नहीं आए उन्हें आख्या वर मुझे गिनमा बीवी से मिला उनकी बीवी ना सही है इनवा बीवी आ गई ना है लाइन देते ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਰ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਣੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਆ ਪਏ ਸੀ ਹਾਲੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਹਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਨਜੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਪੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੋਈ ਨਈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ऐसे करो मैं बंद करता हूँ फोन चेक करो क्या हुआ है और फिर मैं मुझे बताओ फोन बनती गया नौकर चक्कर पता करके आया उसने इतनी देर तक वो पता लग ही गया था क्या घर को थोड़ा जहा पर घर को एक्चुअली घर को पता कितना पर जरा खंबा है ना रात को मिलिट्री सेक्टर ही आया उन्हें कहा जी प्रोफेसर साहब आप किसी तो मैसेज तो पता उन्हें आख्या कि मैं उन्हें मीर दे घर गल करा और कि मैं फायरिंग सुनी है बिल्कुल घर के नेड़े नजीब ने आख्या अच्छा तो तुसा प्लीज चेक करा के ना कि खुदा ना खासा कोई ऐसे हरकत तो नहीं चाहिए फोन बंद है बेनजीर दा वापस फोन आ नजीब नजीब अच्छा सर कितने समझ दोस्तों देखो शर्म नहीं आंदी ऐसे गलत अफवाहें फैलाना पई अच्छा मैं हुणे होम सेक्रेटरी नाल गल कीती ओ को ओने आके कोई ऐसी गल नहीं थई मैं आज ही सिंह नाल गल कीती ओने के कोई ऐसी गल नहीं थई ते तू की में गलत अफवाहें फैलाना पई तू की किस्म दा सर इतना पुराना दोस्त थी ते तू इतनी बकवास मरे ना पई पीने का फटाफट पी आया फोन किया इन्हें कहा जी मेरे को कराची की फ्लाइट दो इमरजेंसी अपनी फ्लाइट पकड़े आप इंदी दाल भी ना जनाब तू है एयरपोर्ट ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਥਈ ਆਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਏ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਜਾਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਮਕੋ ਕਹਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਬਸ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਉੱਥਾਂ ਵਨ ਤੇ ਬਲ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜੀਬ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ ਪੰਜ ਛਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਥਈ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੈਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਖੈਰ ਉਥਾਂ ਕੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਈ ਮੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਭੇਂਟ ਸੜਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਤਾਸ ਮੈਡੀਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪੁਨੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਪੁਨੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਬੇਚਾਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਯਾਰ ਬੇਚਾਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਦੀ ਰੋਂਦੀ ਥਾਂਦੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹਲ ਖੈਰ ਆਈ ਬੇਚਾਰੀ ਉਹ ਕੁਦ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜ ਸੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਹਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਘੰਟੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਉਸ ਜੋ ਇਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਉਹ ਬੇਚਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬਸ ਵੱਲੋ ਰੋਂਦੀ ਦਾਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਾ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਥਿਆ